कल का सोमवार ला रहा है इन राशि वालों के लिए इस नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जन्म कुंडली को हमारे जीवन का आईना कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि हमारे भविष्य या भूतकाल में जो कुछ भी हुआ या होने वाला होता है, उसका पता जन्म कुंडली से लगाया जा सकता है। जन्म कुंडली के द्वारा भविष्य की संभावनाओं के बारे में तो पता लगाया जा ही सकता है, साथ ही साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रह दोष के बारे में भी पता चलता है। इन्हीं दोषों में से एक है काल सर्प दोष, या कहीं काल सर्प योग। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल साल का पहला सोमवार है। जी हाँ, और दोस्तों कल सुबह 9:30 बजे से काल सर्प योग बनने जा रहा है। और इस योग के कारण 6 ऐसी राशियां हैं जिन राशियों के लोगों के जीवन में अब बहुत कुछ बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनकी किस्मत अब चमकने वाली है और इनके लिए धन प्राप्ति के विशेष योग भी बन रही हैं। दोस्तों, इन राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि अब रहने वाली है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से अब ये लोग अपने जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाली हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं राशियों के बारे में बताने वाली हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करिए और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगा दें। महादेव की असीम कृपा से आपकी और आपके परिवार वालों की सभी मुश्किलें दूर होंगी और महादेव का पहरा आपकी और आपके परिवार वालों पर अवश्य बना रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस महाशुभ योग के बनने से इन राशि के लोगों को अब लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी। जी हाँ, आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, आपने अपने भविष्य के लिए जो जो योजनाएं बना रखी हैं, उनके अमल में लाने का अब सही समय आ गया है। दोस्तों, अब आपको कई सारे फायदे होंगे, व्यवसाय के नए रास्ते आपके बनते नज़र आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनको अपने पोस्ट में पदोन्नति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान समाज में भी आपका मान सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान आप अपने कार्य में धैर्य रखें। पैसों की मदद से कुछ मामलों को आप अपने पक्ष में कर सकती हैं। हर विषय के बारे में ज़्यादा जानने की आप कोशिश करेंगे। कहीं पर इस दौरान घूमने का प्लान भी आप बना सकती हैं। महादेव की कृपा से परिवार के लोग आपसे इस दौरान प्रसन्न रहेंगे। जितना ज़्यादा आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इम्प्रेशन लोगों पर अच्छा पड़ेगा। आपके परिवार में इस दौरान कुछ नई चीज़ों का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान अपने करीबियों के साथ मन की बात आप बांट सकती हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध आपके बनेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस दौरान निवेश के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी बड़ी योजना में निवेश करने से आप हालांकि बचें, वरना धन की हानि भी आपको हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान सेहत में आपके उतार चढ़ाव लगा रहेगा। छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रही हैं। परिवार का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन
साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आय के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। सेहत का अपनी ध्यान आप जरूर रखें। करियर और व्यापार में उठापटक चलती रहेगी। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आपकी आएगी। रोमांस और घूमने फिरने के लिए समय अच्छा है। अचानक आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी इस दौरान मिल सकती है, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बता दें कि इस दौरान महादेव के कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से इस दौरान जो भी काम आप करेंगे वो उम्मीद से ज़्यादा आपको फायदा देगा। आपका आर्थिक पक्ष भी इस दौरान मजबूत रहेगा। सेहत में सुधार होने की संभावना है। व्यवसाय के लिए यह स्थिति बहुत ही आपके लिए अच्छी रहेगी। नौकरी में तरक्की आपको मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों में भी आपके मधुरता देखने को मिलेगी। दोस्तों बता दें कि अब आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है। जो मुश्किल परिस्थितियां आप पिछले 2-3 महीनों से झेल रहे थे, अब वह महादेव स्वयं दूर करेंगे और आपको अपने जीवन में कोई भी दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब महादेव की खास कृपा इन राशि वाले जातकों के ऊपर होने वाली है। महादेव अब आप लोगों से प्रसन्न हो चुके हैं, जिसके कारण आपके व्यापार में, नौकरी में जो अभी तक कोई दिक्कत चल रही थी, कोई आपका रुका हुआ अटका हुआ काम था, बिना किसी रुकावट के पूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा और अच्छा खासा धन भी आपको इस दौरान प्राप्त होगा। इस दौरान नौकरी में उच्च पद की आपको प्राप्ति यानी प्रमोशन के योग बनते नजर आएंगे। दोस्तों दोगुने धन लाभ और दोगुने मुनाफे के साथ आप लोग अपने व्यापार में इस समय जबरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, महादेव की असीम कृपा से आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि अब हासिल करेंगे। और दोस्तों इस महीने में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाली हैं। इस महीने में हर क्षेत्र में आपको फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में ग्रहों के राजा सूर्य देव भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो वहीं दोस्तों इस दौरान शनिदेव वक्री स्थिति में हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। और दोस्तों इस दौरान यानी आने वाले कुछ ही दिनों में शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। वहीं मंगल ग्रह जो जमीन प्रॉपर्टी के कारक ग्रह माने जाते हैं, उनका भी अब राशि परिवर्तन इस दौरान होने वाला है। और बुध जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वह भी सकारात्मक स्थितियां आपके लिए बना रही हैं। दोस्तों इन तमाम राजयोग और धनयोग के कारण, शुभ संयोग बनने के कारण इस समय अवधि में आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इसके साथ ही दोस्तों अगले 24 घंटों के लिए सर्वास सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रही है। दोस्तों ये दोनों ही संयोग बहुत ही ज़्यादा खास माने जाती हैं, जिसकी वजह से अब यह 6 राशि वाले जातक धन से मालामाल होने वाली हैं और अब इनकी लॉटरी भी लगने वाली है। दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर यह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनके ऊपर महादेव अपनी असीम कृपा करने वाली हैं और जिनकी लॉटरी लगने वाली है। तो आपको बता दें कि यह राशियां हैं मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मिथुन राशि। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिख दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।